तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे एप्स जो आपके फोन को कंप्यूटर बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान मत देना बातों पर, 5 एप्स नहीं है, जो भी है बहुत मोस्ट एप्स है, और जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद आपके मोबाइल का थोबड़ा वो चेंज हो जाएगा और आपके आंखों की पुतलियां उसे अलग अंदाज से देखेगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो जोर से बोलो जय माता दी। तो फ्रेंड चलिए, सबसे पहला ऐप है वो है नोवा लॉन्चर। क्या है नोवा लॉन्चर? गलत मत समझना फ्रेंड्स, ये है नोवा लॉन्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना होगा, और इसको डाउनलोड करने के लिए मेरे प्यारे जिगर के छल्लो, आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर के अंदर। वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो नोवा लॉन्चर को। ठीक है, ये रहा वो। इसको जैसे ही अपन क्लिक करते हैं तो कुछ इस अंदाज में ये बयां होता है। देखिए, ये है बैटमैन, ये मेरा फेवरेट है काफ़ी, सुपरमैन की मारी थी इसने सुपरमैन मूवी में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है ये। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसे चेंज हो चुका है। देखिए, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आपको। ये है MI, ठीक है फ्रेंड्स, ये MI की थीम। ठीक है, तो भी आप थीम देख रहे हो, ये है MI की। क्या है MI की थीम? तो ये है नोवा लॉन्चर। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसके अंदर जाना है। क्लिक करते ही ये हो जाएगा, फ़ोन तो MI का रहेगा लेकिन थीम वो चेंज हो जाएगी। फ्रेंड्स देखिए किस किस अंदाज के अंदर ये दे रखा है, देख सकते हो आप। जैसे माइक्रो जो होता है, माइक्रोमैक्स का फ़ोन होते हैं, और जो भी फ़ोन होते हैं लेनोवो के अंदर भी इस टाइप से दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जो बैकग्राउंड होता है वाइट भी होता है और डार्क भी होता है। फ्रेंड डार्क आपको पता ही होगा शायद, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मान लो आप कई बार फ़ोन लेते हो तो आप सोचते हो काश मेरे वाले में भी ऐसी थीम होती। तो चिंता मत करो फ्रेंड्स, मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं जम किस लिए बैठा हूँ, आप सभी के लिए बैठा हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बहुत मज़ा दिलाऊंगा मैं वीडियोज़ के अंदर। तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, मज़े लीजिए। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो वाइट की जगह, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और सेटिंग के अंदर जाना होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा, ये देखिए नोवा सेटिंग। इसमें जाने के बाद फ्रेंड्स आप जाइए, जैसे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप। इसमें जाने के बाद फ्रेंड काफ़ी अच्छी बेहतरीन अपन को यहाँ पर इफ़ेक्ट मिलेंगे, जैसे कि। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए जो आप नीचे दे रखा है इस कलर के अंदर, जैसे मैं स्वीप कर रहा हूँ बार बार, ठीक है आइकन को, ये देखिए ये कलर जो आया है ये किस लिए आता है, देखिए मैं बताऊँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जाना नोवा सेटिंग के अंदर। यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है नोवा सेटिंग में। नोवा सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है डॉक। इसमें जाने के बाद फ्रेंड्स क्या होगा, डॉक बैकग्राउंड। डॉक बैकग्राउंड में जाने के बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी, ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे। आप इमेज भी लगा सकते हो, इमेज का ऑप्शन दे रखा है, प्लेटफॉर्म राउंड ARC, और कलर भी दे रखे हैं फ्रेंड्स। अगर आप कलर करोगे तो इस टाइप से हो जाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्लिक कीजिए यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी अनुभूति होती है, अपने आंखों को ही अलग अंदाज में नजर आता है फ्रेंड्स, जिससे काफ़ी मज़ा आता है अपन को। तो ये नोवा सेटिंग, नोवा थीम, जिससे आपका नज़रिया ही चेंज हो जाएगा फ़ोन के प्रति। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। अब है सेकेंड ऐप जो आपको जाना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, और उसका नाम है OS लॉन्चर। OS लॉन्चर, सही सुना आपने फ्रेंड्स, क्या OS लॉन्चर? ये है एप्पल आईफोन 10 फ्रेंड्स। काफी जब नाम लेते हैं तो काफी खुशी मिलती है अपन को फ्रेंड्स, वो खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि ये आईफोन का नाम लेते हैं ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है। तो फ्रेंड्स कोई नहीं, चलिए इसके अंदर चलते हैं। देखिए इससे अपनी थीम है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आईफोन की तरह ही लगने लगेगा अपना फ़ोन है। ठीक है, अपना फ़ोन है वो MI का रहेगा फ्रेंड, चिंता करने की बात नहीं, MI का ही फ़ोन रहेगा, लेकिन जो अंदर की थीम है वो जाएगी आईफोन जैसी। ये रहा आईफोन लॉन्चर OS, ये मैंने डाउनलोड किया था प्ले स्टोर से, काफ़ी नया मेरे पास ऐप आता है मैसेज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर चलते हैं अपन। इसमें जाने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है अपन को ये फ़ोन, तो देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है ये फ़ोन, वेव बहुत ही मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स ये देखकर। देखिए फ्रेंड्स एप्पल वाली थीम आ चुकी है, जब अपन स्किप करेंगे, इसको स्वीप करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगता है ये जब देखते हैं। आप नीचे भी देख सकते हो आइकन वगैरह सब, देखिए एप्पल जैसा हो रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो सब कुछ इस फ़ोन के अंदर। ये है आईफोन का थीम। इसमें और भी कुछ सेटिंग है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। और तीसरा ऐप है पिकनिक, वो वाली पिकनिक नहीं है,
वो वाली ही मान सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि वो इसलिए, जैसे मान लो आप अपने घर पर बैठे हो पिकनिक मनाने जाते हो तो वहां का माहौल चेंज हो जाता है, वहां का दृश्य चेंज हो जाता है, तो उसी प्रकार से पिकनिक में जाने के बाद बहुत ही मजा आने लगता है। यहाँ से आप कोई पिक अपलोड कर सकते हो, यहाँ जाने के बाद फ्रेंड्स आप ले सकते हो मेरी पिक, मेरी पिक लेने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जाइए, जो फिल्टर से इसमें जाने के बाद अपने जो मैन मोमेंट आते हैं वो यहाँ पे आते हैं फ्रेंड्स। वॉक कीजिए, वॉक रेनबो विंटर स्लीप ब्रांच है फॉरेस्ट कैंडी क्रीम फ्रेंड्स बैक लीजिए। ये पिक है वो काफ़ी अजीबोगरीब है फ्रेंड्स, इसलिए हो रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, बैक लीजिए फ्रेंड्स। मैंने एक मेरी पिक अपलोड की थी, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये पिक है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये पिक है मेरी फ्रेंड्स, ठीक है ये पिक है। अब इसको फिल्टर करते हैं अपन, यहाँ जाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप इसका यूज़ कीजिए, काफ़ी मज़ा आता है इसका यूज़ करने में। आपका जितना अच्छा बैकग्राउंड होगा ये पिक बहुत ही शानदार बन जाएगी फ्रेंड्स। मैंने एक मेरी पिक अपलोड की थी ठीक है फ्रेंड, वह मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी पिक है वो। बैक जाइए, देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी है, मैंने इस ऐप से ये पिक डिज़ाइन की थी पूरी तरीके से, काफ़ी अच्छी पिक लग रही है, आप देख सकते हो मेरी पिक, और मुझे एडिटिंग का काफ़ी शौक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं सीरियल CID, तो इस तरीके से आप इस ऐप के अंदर काफ़ी बेहतरीन पिक्स बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऐप की ओर, और जो ऐप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपका नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा, और इसको देखने वाले के लोग जो आपका फ़ोन हाथ में लेंगे तो वो सोचिए वाओ क्या बात है। और ये है मेन ऐप, वो है कंप्यूटर लॉन्चर। इसको लॉन्च करने के बाद अपना मोबाइल, ओ वाओ कंप्यूटर बन चुका है हमारा फोन, इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स काफी मजा आता है अपन ऐसी चीजें देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अपना फोन पीसी बन चुका है, अपन दिस पीसी में जाएंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट डाउनलोड पिक्चर्स वीडियोस में जाएंगे तो अपनी जो वीडियोज है वो अपन को दिखाई जाएगी, वीवा वीडियो नहीं है। यहाँ पर बैक लीजिए कैमराज, देखिए फ्रेंड्स सब कुछ दिखाई जाएगा इसके अंदर, लोकल डिस्क सी इसमें जाइए, काफ़ी बेहतरीन ऐप है फ्रेंड्स ये। इस ऐप से आप अपने मोबाइल को बना सकते हो, क्या बना सकते हो, पीसी बना सकते हो। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर आपके मोबाइल में नेट होगा तो इसमें एड्स आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एड्स अगर आप चाहते हो ऐड को रिमूव करना तो यहाँ जाइए, रिमूव करने के बाद फ्रेंड्स नो कनेक्शन नेट नहीं चला रखा, मैं आपको पैड वर्जन खरीदना होगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। और इसको अपन माइक्रोसॉफ्ट में भी बना सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, देखिए फ्रेंड्स विंडो 10 के अपने पास आ चुका है थीम, विंडो 7 की थीम है फ्रेंड्स, काफ़ी मज़ा आता है इसको देखने के बाद, कुछ इस अंदाज में बयां होता है ये, देखिए फ्रेंड्स। और ये इधर साइड में अपने ऐप से फ़ोन वाले, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आएगा यूजर सेटिंग पावर, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा ऐप है ये, मुझे बहुत अच्छा ऐप लगा फ्रेंड्स। यहाँ देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद एकदम पीसी टाइप में दिखाई जाएगा आपको, आएगा यहाँ पर नेटवर्क ब्लूटूथ, और जो ये वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो अपन ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ्रेंड्स इन चारों ऐप्स का यूज़ कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मेरे साथ जोर से बोलो जय माता दी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको कॉमेडी टाइप वीडियो चाहिए, मतलब मेरी आवाज़ के अंदर सनसनाहट चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने विचार अपने मस्तिष्क के थॉट्स मुझे शेयर करके बताइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो पता ही है क्या करना है आपको, तो थैंक यू।